बिहार में पीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्या। घर में तेज धारदार हथियारों से किया गया हमला, हथियारों का सुराग नहीं। जम्मू के डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 4 जवान सहित 1 अधिकारी भी घायल। आईएएस पूजा की मां पर किसानों को पिस्टल से धमकाने का केस दर्ज, दोनों की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा सरकार ने अब तक नहीं खोला संभू बॉर्डर, 6 दिन पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया था बॉर्डर खोलने का आदेश, किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा में आधी अधूरी जानकारी भेजने को लेकर प्रशासन सख्त, 30 जुलाई तक विभाग के पीएस ने अधिकारियों से मांगी पूरी जानकारी, वरना रोका जाएगा वेतन। थाईलैंड से रिपोर्ट किया गया गैंगस्टर राकेश उर्फ काला खैरम पुरिया, फर्जी एयरपोर्ट के आधार पर डंकी रूट से अमेरिका कनाडा भागने का था प्लान। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का जिक्र करते हुए कांग्रेस और बीजेपी आए आमने सामने, बीजेपी नेता बोले राजनीतिक हिंसा दोहराना चाहता है इंडिया गठबंधन। दिल्ली कांग्रेस ने शुरू किया अपने युवा विंग के लिए सदस्यता अभियान, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने की शुरुआत, नेता बनो नेता चुनो के दृष्टिकोण से चुने जाएंगे सदस्य। गुजरात के कई इलाकों में फैल रहा चांदीपुरा वायरस का कहर, 5 दिन में 6 बच्चों की हुई मौत, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने सावधानी बरतने की दी सलाह। ओमान की राजधानी मस्कट में एक मस्जिद में गोलीबारी के दौरान 4 लोगों की मौत, अन्य घायल, बंदूक लेकर मस्जिद में पहुंचा था आरोपी।